So, स्वागत है स्टूडेंट्स देखिए okay. so, यहाँ पे क्वेश्चन है अ पीस ऑफ स्टील हैज अ वेट डब्ल्यू इन एयर डब्ल्यू वन वेन कम्प्लीटली इमर्ज इन वाटर एंड डब्ल्यू टू वेन कम्प्लीटली इमर्ज इन एन अनोन लिक्विड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ओके तो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है चूज कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही होगा लेट सी दॉल्यूशन पहले तुम ऐसा समझो जब किसी लिक्विड को जब किसी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो उस पर दो फोर्सेस लगते हैं एक तो उसका वेट हो जाता है और एक उसका अपथरस्ट हो जाता है तो जब हम इस वेट को एक्चुअल वेट को अपथरस्ट से माइनस करते हैं तो हमें मिलता है अपारेंट वेट तो इस क्वेश्चन में तुम अगर देखोगे तो तुमको दिखेगा कि पहले जब हम एयर में रखते हैं तो उसका वेट W है पानी में डुबा दिया तो वेट W1 है तो एयर में जो एक्चुअल वेट W था और यहाँ थ्रस्ट लगने की वजह से इसका जो नया वेट है वो हो चुका है w माइनस एफ बी ये W अपेरेंट वेट है ओके तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो कि वाटर है यहाँ पे और वॉल्यूम पूरा डूबा हुआ है इनटू जी ये हो गया अपथ्रस्ट तो W1 वन का वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाल लिया अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है कि जब हम उसको किसी एक अनोन लिक्विड में डुबाते हैं तो उसका वेट W2 टू हो जाता है तो अपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट अब यहाँ पर जो मेरा अपथ्रस्ट है वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो नहीं पता लेकिन वॉल्यूम तो अभी भी टोटल वही बॉडी का लेंगे इंटू जी अब इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा ढंग से हम लिखते हैं पहला इक्वेशन को लिख देते हैं रो डब्लू इंटू वॉल्यूम इंटू जी बराबर डब्लू माइनस डब्लू वन और दूसरा इक्वेशन को हम लिख देते हैं रो एल वी इंटू जी बराबर डब्लू माइनस डब्लू टू अब अगर हम इन दोनों इक्वेश को डिवाइड करें तो तुम देखोगे दैट वी जी, जी कट जाएगा यहां से रो डब्लू बाई रो एल आ जाएगा डब्लू माइनस डब्लू वन बाय डब्लू माइनस डब्लू टू एक्चुअल में मेरे को रिलेटिव डेंसिटी पूछा था तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ दी बॉडी और डेंसिटी ऑफ लिक्विड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर होता है मतलब इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा W माइनस W टू बाई डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन एंड आई थिंक दी हाँ सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट यही इसका रिलेटिव डेंसिटी है तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा थैंक यू